दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फेसबुक मैसेंजर पर किसी भी से भी प्राइवेट या सीक्रेट चैट कर रहे हो और उसको आप सारे जो मैसेज है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो डिलीट करते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक थोड़ी सी छोटी सी सेटिंग करनी है आपको, जैसे वो आप अपने मैसेंजर में सेटिंग कर लेते हो उसके बाद में आप जैसे जैसे चैट करते जाते हो उसमें आपको टाइम अपना सेट करना है, उस हिसाब से जो मैसेज है वो अपने आप वो डिलीट होते रहेंगे। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से वो आप मैसेज है वो डिलीट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो अब चलते हैं और चल के देखते हैं कि कैसे हम लोग वो सेटिंग करेंगे जिससे मैसेंजर पर आप जो भी चैट कर रहे हो, प्राइवेट चैट कर रहे हो, तो वो मैसेज है वो अपने आप कुछ ही सेकंड में वो डिलीट होते रहेंगे। तो वो आपको टाइम सेट करना है, जैसे आप टाइम सेट कर दोगे उसके बाद आप जिससे भी मैसेंजर पर चैट कर रहे हो तो वो सारे के सारे मैसेज है वो ऑटोमेटिकली ये डिलीट होते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, चल के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना मैसेंजर है वो ओपन करना है। जैसे आप मैसेंजर है वो ओपन करते हो उसके बाद में आप जिससे चैट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर एक डॉट का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ऊपर ही ऊपर गोल वाले निशान के अंदर, तो वहाँ पे आपको सिंपली टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे नीचे नीचे आपको गो टू सीक्रेट कॉन्वर्सेशन नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैं ये इस पर टिक भी कर देता हूँ, आप गौर से देख रहे हो लॉक लगा हुआ है, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो चैट के अंदर आपको यहाँ पे एक वॉच आ जाती है, घड़ी आ जाती है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको वो टाइम सेट करना है जिस टाइम पर आपका जो मैसेज है वो डिलीट हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ कि जैसे भी जो मैसेज मैसेंजर वाला बंदा है वो सीन कर ले, सीन करने के बाद में 5 सेकंड के आफ्टर वो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली हाई लिख के सेंड कर देता हूँ, जैसे ही हाई लिख के सेंड किया तो आफ्टर 5 सेकंड के बाद में वो मैसेज ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये मैसेज है वो डिलीट हो चुका है। तो वैसे आप बहुत सारे मैसेज है वो कर सकते हो जिससे आप कोई भी मैसेज है वो सेंड करोगे तो वो 5 सेकंड के आफ्टर है वो अपने आप है वो डिलीट हो जाता है। तो सारे मैसेज है वो आप इस तरीके से चैट कर सकते हो। आप अपना टाइम है वो यहाँ पे आपको जो भी टाइम सेट करना होता है वो यहाँ पे टाइम सेट है वो कर सकते हो। तो मैंने ओबियसली आपको 5 सेकंड करा है, आप चाहो 10 सेकंड कर सकते हो, 30 सेकंड कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या टाइम है वो सेट कर रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ट्रिक जरूर यूज़ करें और ताकि आपको हर मैसेज है वो बार बार डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली मैसेंजर के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी अपने मोबाइल में मैसेंजर में सेटिंग करने के बाद में बहुत ईजी तरीके से किसी से भी चैट कर रहे हो वो मैसेज है ऑटोमेटिकली जितना आप टाइम सेट करोगे उस हिसाब से वो मैसेज है वो डिलीट होते जाएंगे, जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर है वो लाइव प्रूफ दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।